नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप हैं इस समय आर्यन 4-5 एजुकेशन पर। आज आप लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन विथ ट्रिक। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा परीक्षा में पूछे जाने वाले सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन, जिन्हें मैं आप लोगों को फास्ट कैसे हल करना है ये सिखाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण और 2093 छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? पूछा क्या गया है छात्रों की कुल संख्या। इसमें दिया गया है 87% छात्र उत्तीर्ण हैं, मतलब पास हैं, और 2093 छात्र फेल हैं, अनुत्तीर्ण हैं। तो देखिए यहाँ से, अगर टोटल मान के चलें, टोटल कितना होता है? 100% होता है। अब 100% में 87% क्या है? पास है। 87% पास, जब 87% पास हैं तो कितने परसेंट बचे? 13%। अब 13% क्या होंगे? फेल होंगे। अब जो छात्र फेल हैं, अनुत्तीर्ण हैं, उनकी संख्या दे दी गई है 2093, यानी 13% का मान दे दिया गया है 2093। आपको पूछा गया है छात्रों की कुल संख्या, यानी 100% का मान, तो 13% का मान 2093 काट देंगे तो 1% का मान यहाँ से आ जाएगा 161। तो यहाँ से 100% का मान निकाल सकते हैं आप लोग, 161 में 100 का गुणा हो जाएगा 161 सौ, या 16,100। ठीक, तो छात्रों की कुल संख्या क्या आ गई? 16,100। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 16,100। फिर से देखें, टोटल 100% होता है। अब 100 में 87% छात्र पास हैं, जब 87% छात्र पास हैं तो 13% फेल होंगे। अब 13% का मान दे दिया गया है 2093, जब 13% बराबर 2093 तो 1% बराबर क्या आएगा? 161। तो 100% का मान क्या आएगा? 161 सौ, या 16,100। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए, 857 प्लस 832 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 857 × 832। तो देखिए यहाँ से, अगर इसको ए मान लें, यहाँ पे बी मान लें, तो ये भी आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे भी बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस रूप में दिया गया है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस रूप में दिया गया है। तो आप लोग जानते होंगे इसके बराबर होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये पता है तो आप लोग आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए का मान क्या है? 857 माइनस 832, ठीक है, होल स्क्वायर। 857 माइनस 832 करेंगे 25 आएगा, 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 625। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए फ्रैक्शन से रिलेटेड है, बहुत ही आसान है। 12 से 1/2 प्लस 12 से 1/3 प्लस 12 से 1/6 का मान क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे हल करेंगे। सभी जगह 12 है तो सभी जगह 12 पहले जोड़ लीजिए, 12 प्लस 12 प्लस 12। ठीक है, अब आपका 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है, तो 12 × 3 = 12 है, 12 × 3 = 36 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, 3 + 2 + 1, आप लोग हल कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 36 प्लस, ऊपर जोड़ेंगे 3 × 2 = 5 = 6 × 6 = 6, यानी 1 आएगा। ठीक है, 36 + 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 37। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, 37। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार देखिए, किसी संख्या का 4/9 324 है संख्या है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। किसी संख्या का 4/9, इसका मतलब क्या है? यानी 9 में 4 का मान 324 है, 4 का मान क्या है? 324 है। फिर से देखिए, किसी संख्या का 4/9, यानी संख्या अगर 9 है तो 9 में 4 का मान 324 है, 4 का मान क्या है? 324। अब यहाँ से काट देंगे तो 1 का मान निकल जाएगा आपका, 1 का मान क्या आएगा आपका? 81 आएगा, 4 × 8 = 32, 4 × 1 = 4। तो आप लोगों को निकालना क्या है? संख्या, संख्या क्या है? 9, 9 का मान आप लोग निकाल सकते हैं, 81 × 9, ठीक है, 81 × 9 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 729। फिर से देख लीजिए, 4 का मान 324, 9 में 4 का मान 324 है, तो यहाँ से 1 का मान क्या आएगा? 81, और आपको निकालना है संख्या, संख्या मतलब कि इस 9 का मान, 9 का मान क्या आ जाएगा? 81 × 9,
यानी क्या आ जाएगा आपका 729। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 729। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, पाँचवा क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, यदि एक्स स्क्वायर बराबर छः प्लस कड़ी में छः प्लस कड़ी में छः प्लस कड़ी में छः डॉट 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 इन्फिनिटिव है, तो एक्स के मानों में से एक किसके बराबर है। तो यहाँ से देखिएगा इसे कैंसिल करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर छः प्लस कड़ी में छः प्लस कड़ी में छः प्लस कड़ी में छः प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव ये दिया गया है, तो इसे देखिए कैंसिल करेंगे, एक्स स्क्वायर छः को इधर लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस छः, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में छः प्लस कड़ी में छः प्लस कड़ी में छः प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मान आप लोग जानते हैं, कड़ी में छः प्लस कड़ी में छः प्लस कड़ी में छः डॉट डॉट इन्फिनिटी है, तो इसे आप लोग कैसे करते हैं देख लीजिए, अगर आप लोगों के सामने इस प्रकार से हो तो आप लोग कैसे करते हैं, छः का ऐसा फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस एक होना चाहिए, जैसे दो गुणे तीन, दो तीन छः, और दो और तीन का डिफरेंस एक होता है, ठीक है, तो इसमें आप देखिए छः प्लस छः प्लस छः प्लस सब जगह प्लस प्लस वाला है, ठीक है, तो बड़ा वाला लेंगे, अगर छः माइनस छः माइनस छः माइनस इस प्रकार होता तो दो लेते, ठीक है, यहाँ पे छः प्लस इसलिए लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे तीन लेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तीन। अगर यही इस प्रकार होता, कड़ी में छः माइनस कड़ी में छः माइनस कड़ी में छः डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो इसका मान हो जाता दो, तो कम वाला लेते, तो यहाँ पे प्लस है इसलिए इसका मान हो जाएगा तीन, तो यहाँ पे तो इसका मान हो जाएगा तीन। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस छः बराबर तीन हो जाएगा, आगे हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस छः माइनस तीन बराबर ज़ीरो, एक्स स्क्वायर माइनस नौ बराबर ज़ीरो, नौ को उधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर नौ हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका, यानी इसका मान आएगा प्लस माइनस तीन, तो इसके दो उत्तर आएंगे, प्लस तीन माइनस तीन। और आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ध्यान से देखिएगा, एक्स के मानों में से एक किसके बराबर है, मतलब कि एक्स का एक मान किसके बराबर है, तो तीन के बराबर है, ठीक है, तो ये है आपका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर छः देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर पाँच की तरह है, कड़ी में 110 माइनस कड़ी में 110 माइनस कड़ी में 110, इसका मान आप लोगों को याद करना है, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया 110 अंडर रूट माइनस फिर से अंडर रूट 110 फिर से 110 डॉट डॉट डॉट, तो इसका मान आप लोग कैसे याद करेंगे, आप सभी जगह देखिए सेम नंबर लिखा गया है, ठीक है, तो आप लोगों को 110 का ऐसा फैक्टर करना है, 110 के ऐसे दो फैक्टर लिखने हैं जिनका डिफरेंस वन होना चाहिए, तो 110 है तो ये होता है 11 दहा में 110, तो 11 और 10 देखिए, 11 और 10 में डिफरेंस निकालेंगे तो एक का आएगा, ठीक है, तो इसके दो फैक्टर क्या हो गए, 11 गुणे 10, ये आप लोगों को रफ भी लिखना है, ठीक है। अब आप लोगों को डायरेक्ट मान कैसे याद करना है, सभी जगह माइनस लिखा गया है इसलिए कम वाला लेंगे, कम वाला इसका आंसर हो जाएगा, अगर सभी जगह प्लस होता तो 11 आंसर हो जाता, लेकिन सभी जगह माइनस लिखा गया है इसलिए इसका आंसर 10 होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात देखिए, 2.36 बार प्लस 3.21 बार माइनस 1.05 बार का मान ज्ञात कीजिए, ये सभी डेसिमल बार में दिए गए हैं, इनका मान आप लोगों को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को डेसिमल बार को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, इसे मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हैं, चलिए मैं एक बार फिर से सिखा देता हूँ, जैसे पहला दिया गया है 2.36 बार, तो इसे कैसे बदलेंगे, 236 लिखेंगे, आप देखिए 36 के ऊपर बार है और 2 के ऊपर बार नहीं है, ठीक, तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं रहेगा उसे घटा देंगे, 236 माइनस 2, और नीचे क्या लिखेंगे, अब दो संख्या के ऊपर बार है इसलिए नीचे 2.9 लिखेंगे, फिर से सुन लीजिए 2.36 बार, सबसे पहले नीचे क्या लिखेंगे, नीचे 2.9 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दो संख्या के ऊपर बार है, ऊपर क्या लिखेंगे 236 माइनस 2, 2 क्यों घटाएंगे, क्योंकि इस 2 के ऊपर बार नहीं है, जैसे अगला दिया गया है 3.21 बार,
3.21 बार। तो इसे देखिए, 321 माइनस 3 माइनस 3, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं है, नीचे आपका फिर से 2.9 लिखेंगे क्योंकि 2 अंक के ऊपर बार है। ठीक, तो इसी प्रकार लास्ट वाला देखिए क्या है, 1.05, इसे भी चेंज कर लीजिए, 1.05 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 1, नीचे आपका 2.9। ठीक है, अब देखिए घटाने पर क्या क्या आएगा, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे आपका आ जाएगा 234/99, यहाँ पे देखिए 318/99, और यहाँ पे 104/99। ठीक है, तो क्या क्या आ गया है, इसका मान क्या आया है, 234/99 प्लस दूसरे वाले का मान आया है 318/99, और तीसरे वाले का मान आया है 104/99। तो इसे आप लोगों को हल कर लेना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 4 12 3 1 4 1 5, ठीक है, 3 2 5 माइनस 104/99, हल कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 8 आएगा, 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 448/99। अब देखिए 448/99 आ गया, अब ये देखिए आंसर में ये नहीं है, आंसर में सभी डेसिमल बार में लिखा गया है, तो आप लोगों को अब फ्रैक्शन से डेसिमल बार में बदलना होगा। दिया गया है आपका, आ चुका है आंसर 448/99, तो यानी 99 से भाग करना है आप लोगों को 448 में, भाग करिए, 4 बज जाएगा, 4 9 36, 4 9 36 3 39, 2 आएगा, 5 कट जाएगा, दसमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 5 बार ले जाइए, 5 9 45, 5 9 45 4 49, देखिए ध्यान से, 5 आएगा, 2 0 उतार लीजिए, अब फिर से देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 9 18 2 9 18 1 19 घटा दीजिए, घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा, फिर से देखिए 520 आ रहा है, ठीक है, यानी फिर से 5 बार जाएगा, जब फिर से 5 बार जाएगा तो फिर से 2 बार जाएगा, यानी इसमें क्या होगा, इस प्रकार आएगा 4.52 5 2 5 2 5 2, और 5 2 जो है रिपीट होता रहेगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5 2 जो है रिपीट हो रहा है, तो इस 4 5 2 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4.52 बार। तो ऑप्शन में देखिए 4.52 बार अगर है तो आपका ऑप्शन नंबर वही सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, 4.52 बार। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये थे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।